चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहां पर दलित, अगड़े, पिछले, अकलियत के लोगों ने यह ठान लिया कि कितनी भी जाति कर लो, इस बात तुम्हारा कोई यहां पर दाव चलने वाला नहीं है। हम और आप जिस गठबंधन पर चल निकले हैं, कोई माइका लाल नहीं 2024 में हम लोगों को हरा दे। जिन लोगों को 2014 में वोट दी थी, जिन लोगों ने 2019 में आपने वोट दी थी, उन लोगों ने क्या किया? गुंडा बताते हो, बदमाश बताते हो किसी जात को? आज ये सम्मेलन जो आपकी खुशी को बताने के लिए और जताने के लिए हो रहा है, ऐसे सम्मेलन में आए आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता नेतागण, साथ साथ जिनको आपने चुना, पलकों पर बैठाया और तानाशाही के खिलाफ जीत दिलाने का काम किया, ऐसे मदन भैया विधायक, मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर और ये जो सम्मेलन का नाम रखा भाईचारा सम्मेलन, इसके लिए मुबारकबाद दूंगा राष्ट्रीय लोकदल के एक एक साथी को जिन्होंने नाम रखा भाईचारा। इस भाईचारा को जानिएगा, समझिएगा, इस भाजपा की तानाशाही आताताई सरकार के खिलाफ जिस तरह आपने इकट्ठा होकर भाईचारा निभाने का काम किया, 36 बिरादरियां और एक हो गई और इकट्ठा होकर शासन और प्रशासन को जिनकी उनकी जातियां थी उन जातियों के खिलाफ प्रचंड बहुमत से इस खतौली को जिताने का आप लोगों ने काम किया। मैंने देखा नेताओं की भाषा बदल गई थी, भाजपा के लोग इतने घमंड में थे कि पहले से ही जीत तय कर रखी थी। यहां के मंत्री और संतरी दोनों मिल गए थे और दोनों ने मिलकर यह मन बना लिया अपने ही मन में कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। लेकिन जनता जब इकट्ठी होती है, यहां पर दलित, अगड़े, पिछड़े, अकलियत के लोगों ने यह ठान लिया कि कितनी भी जाति कर लो, इस बात तुम्हारा कोई यहां पर दाव चलने वाला नहीं है। लोगों ने निजी हमले किए, कोई लोनी से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई दूर से चलकर आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं एक एक नौजवान साथी को। हर जाति के साथ साथ मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जिन लोगों ने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में उन लोगों की मदद करने का काम किया। डाकू बताते हैं, डाकू, अरे अपनी गिरवाल में झांक कर देखो, अपनी गिरवाल में झांक कर देखो, क्या कर रहे हो तुम लोग? किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब परेशान, दलित परेशान, ये तो भगवान ने, ईश्वर ने लोगों को इकट्ठा कर दिया और बाबा साहब को मानने वाले लोगों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा होकर यह जीत दिलाने का काम किया। अब बराबर सरदला हो, बराबर यह खतौली हो, इसके बराबर यह भुड़ाना हो, बराबर यह मीनापुर हो, पुरका जी हो,
सीट बची है चरथावल हो, इसको 2024 में जिताने का काम कर देना दोस्तों साथियों। आदरणीय जयंत चौधरी आते ही होंगे, आदरणीय जयंत चौधरी जी आते ही होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी और बीएमआरबी के चीफ, सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक गठबंधन जो बनाया है, इसकी अगली आने वाली जो परीक्षा की शुरुआत होगी हमारी, अभी कुछ दिनों में आपकी शुरुआत हो जाएगी और 2024 में आप नजदीक से देखकर देखिएगा, चाहे सहारनपुर हो, केरला हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मेरठ हो या आसपास की जितनी लोकसभा सीटें हैं, हम और आप जिस गठबंधन पर चल निकले हैं, कोई माइका लाल नहीं 2024 में हम लोगों को हरा दे। मैंने देखा सुनने होंगे अलाइयों के लोग, प्रशासन के लोग, मदन भैया मेरठ से आ रहे थे, रास्ते में रोका, मैंने मन में आया कि मुख्यमंत्री की भी इतनी सुरक्षा नहीं रही होगी, पूरे रास्ते पर स्वागत के स्वरूप पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे, लेकिन उनके मन में गलत बात थी। अरे चुनाव प्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में जाने से रोकते हो, कैसी शपथ ली थी आपने? यह शपथ ली थी कि भाजपा की गुलामी करोगे, भाजपा की गुलामी पर चलोगे, रोकने का काम करते हो। यह ध्यान रखना, जब सरकारें बदलती हैं तो ऐसे लोगों के ही नाम चिन्हित होते हैं। यह मंदी में प्रोग्राम हो रहा है, मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, मंदी का परमिशन कर दी सीओ ने, एसडीएम ने परमिशन कर दी, इंस्पेक्टर ने, डीएम के यहां पर फाइल पहुंची, कह रहे मंडी में प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन जब पता चला परमिशन दो या मत दो, प्रोग्राम तो मंडी में होगा, मंदिर में होगा, तो परमिशन का आदेश आ गया। अरे चुनाव प्रतिनिधियों को मंच पर बैठे पूर्व के सांसद, पूर्व के मंत्री व वर्तमान के विधायक, चुनाव प्रतिनिधियों को रोकने का काम करते हो, यह शपथ ली थी आपने संविधान की? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो अधिकारी लोग हैं, मैंने देखा इस सरकार में अफसर शाही हावी है। हम चले गए एक बड़े व्यक्ति के पास, उस औहदे के नाम नहीं लेना चाहता, मैंने पूछा, मैंने कहा कि विधायकों की बात अधिकारी लोग कम सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम तो विपक्ष के हो, तुम्हारी तो सुन ली जाती है, सरकार वालों की कुछ भी नहीं सुनी जाती, कि थोड़ी मोड़ी तुम्हारी तो सुन ली जाएगी, सरकार वालों की इतनी भी नहीं सुनी जा रही। खुली छूट, जिस तरह खेतों में खुले चल रहे सांड, ऐसे ये लोग खुले हैं। अरे भैया रुक जाओ, तो आई ना रहे थोड़े, छो साहब 10 मिनट अब पहुंच रहे हैं। हाँ बस मैं और 5 मिनट बोल लूंगा अध्यक्ष जी। अरे ऐसा ना, जब 5-4 मिनट का तो थोड़ा गर्मा हुआ इंजन, तो चोई साहब आने वाले हैं, ज्यादा ना बोल के बस इतना कहूंगा, और सारी बिरादरियों के लोग बैठे हैं यहां पर, अगले पिछड़े दलित सब, हमारे किसी बिरादरी के लोग हो, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, अपना जाटो, वाल्मीकि, त्यागी जी, और त्यागी जी ने भी 100-100 ट्रैक्टर निकाले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं मदन भैया के साथ साथ कोई किसी बिरादरी का व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, हमारे हर जाति के व्यक्ति से जुड़ाव है, एक जाति नहीं जिताती, सब लोग मिलकर जुड़ाते हैं, जो लोग जातियों को जोड़ ले वो ताकतवर हो जाता है, और जो तोड़ दे वो पीछे रह जाता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, खास तौर से गुर्जर समाज के लोगों से, माने जयंत चौधरी जी ने आपके दरवाजे पर विधायक किला कर दी है, अगर 2024 में हम सब लोगों को इसका ऋण उतारना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, जिन लोगों को 2014 में वोट दी थी, जिन लोगों ने 2019 में आपने वोट दी थी, उन लोगों ने क्या किया? गुंडा बताते हो, बदमाश बताते हो किसी जात को, अपने गिरवाल में जाग कर देखो,
और इसका बदला जो एकजुटता यह हुई है, यह 2024 में आपका किला ढाने का काम करेगी दिल्ली को, दिल्ली को जीतने का काम हम लोग करेंगे। एक बार हाथ उठाकर बताइए, सब बिरादरी वर्ग के लोग यहां पर बैठे, ये जो एकता है यह सिर्फ इस चुनाव भर की नहीं है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये ताला सा अपनी गद्दी से हट ना जाए। इसलिए इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, और नौजवान साथियों जात के हिसाब से किसी को छोटा और बड़ा मत कहना। ये जो गठबंधन बना है, ये जो बाबा साहब के मानने वाले लोग, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, लोहिया जी को मानने वाले लोग, ये एकजुट जो हुए हैं, इस एकता को दोस्तों कायम रखना और कायम करके उस दिल्ली की गद्दी पर जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, उसको हमें और आपको सब लोगों को मिलकर साकार करना है। इसलिए इकट्ठा होना, एकजुट होना। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष जी, सब लोग वरिष्ठ नेता यहां पर बैठे हैं, आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। और पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, इनकी तानाशाही, इनकी जाति के खिलाफ आप हमारे साथ रहिए, मदद करिए हमारी। बेशक टीवी चैनलों के मालिक हमारी मदद ना कर रहे हैं, लेकिन आप लोकल के लोग हैं, आपको सब चीजों की जानकारी है, किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हुआ है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सब लोगों से कहना चाहता हूं ये बात कि एक साथ इकट्ठा होकर जोर से बोलेंगे भारत माता की, जोर से बोलो, उठी हाथ बंद करके, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, जोर से बोलो, किसानों की एकता, मजदूरों की एकता, नौजवानों की एकता, हम सब की एकता। बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जोर से एक बार बोलिए जय भीम, सब लोग बोलिए जोर से जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जयंत चौधरी जी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।